अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ वन अपॉन बी माइनस ए प्लस वन अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी देन ए बी सी आर इन, और ऑप्शन है ए पी जी पी एच पी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन को करते टाइम एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है कि इसे ही सोल्व करना स्टार्ट कर देता है। इसका सबसे पहले एलसीएम लेगा, इसको सिंप्लीफाई करेगा, ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करके और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, आप घर पे करके भी देखना, ऐसा मोस्टली ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ट्रिक्स और अच्छे मेथड्स बताऊंगा, और जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे उस टाइम आपको दोनों पैटर्न से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को हम अनदर मेथड से कैसे करें। जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो देखिए आपको मैंने क्वेश्चन से आंसर निकालना बताया, अब मैं क्या करूंगा कि ऑप्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन का पता लगाएं कि क्वेश्चन राइट है या नहीं है, कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, आपको तो एक आंसर देना है चाहे कैसे भी आंसर आए। तो देखिए इसके लिए आप जो मैं मेथड बता रहा हूं इस पे फोकस करना कि किस प्रकार से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, देखिए अब किस प्रकार से करेंगे। देखो पहले फर्स्ट टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही अज्यूम कर रहे हैं, लेट ए बी सी, क्योंकि यहां पर ए बी सी की बात की जा रही है, आर इन ए पी, अगर ये ऑप्शन हमारा आंसर हुआ तो 100% ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसके अनदर या पैरेलल ए पी अज्यूम कर लो, आर इन ए पी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप 1 2 3 क्यों ले रहे हो, 5 6 7 ले लो। तो मैं आपको कहता हूं आप 5 6 7 भी कर लो, 10, 11, 12 ले लो, आपका मन करे वो लो, लेकिन होना किसमें चाहिए, एपी में। अब इसके बाद आपको बताया कि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। अब ए बी सी की जो वैल्यूज आई हैं उनको यहां इस क्वेश्चन में पुट करिए और देखिए कि ये इसको सेटिस्फाई किया या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा फाइनल आंसर एपी होगा, अदरवाइज हमारा एपी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो देखिए आप 1 upon b minus a plus 1 upon b minus c equal to 1 upon a plus 1 upon c। अब यहां पर आप वैल्यूज को रखेंगे तो देखिए 1 अपॉन वैल्यू ऑफ b क्या है, 2 माइनस a प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब यहां से देखिए 1 अपॉन 1, 2 में जब 1 को सबट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, और यहां पर प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 3। अब उसके बाद देखिए आप ये क्या हुआ 1, और यहां क्या हुआ, देखो 1 अपॉन माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां आपको मिलेगा माइनस 1, और ये क्या हुआ 1 प्लस 1 बाई 3 यानी ये 0, और ये आपके पास मिला 4 बाई 3। अब 0 क्या 4 बाई 3 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो अपना ये क्या निकल के आया, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए आपको इतना तो पता लग गया कि इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन हो इन तीनों में से, लेकिन एपी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप नेक्स्ट चेक करो, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन कई क्वेश्चंस की इतनी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है कि वो कैलकुलेशन सोल्व ही नहीं हो सकती, और जब कैलकुलेशन सोल्व नहीं होती है तो उन क्वेश्चंस को करने का एक ही मेथड होता है कि आप उन क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही कर पाएंगे। तो देखिए आप इसका बी ऑप्शन चेक करते हैं, और बी ऑप्शन क्या है आप उस पर ध्यान दीजिए। बी ऑप्शन ए बी सी आर इन एच पी जी पी। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और जब ऑप्शन
ऑप्शन बी करेक्ट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसके पैरेलल अनदर जीपी अजूम करिए 1, 2, 4 आर इन जीपी। ये मैं डिजिट्स होते हैं वो छोटे इसलिए लेता हूं कि कैलकुलेशन लेंथी नहीं होती, बहुत इजी हो जाती है इससे। तो अभी बताया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4। अब आप इसको लिखिए 1 upon b minus c इक्वल टू 1 upon a plus 1 upon c। अब ये वैल्यूज को रखना, 1 upon b का वैल्यू क्या है, 2 minus 1 plus 1 upon 2 minus 4 इक्वल टू 1 upon 1 plus 1 upon 4। क्या किया है हमने, केवल जो ए बी सी की वैल्यूज थी उसको इस क्वेश्चन में पुट किया है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखना ध्यान से, 1 upon 2 minus 1 क्या होगा, 1 upon 1, और ये क्या होगा plus 1 upon minus 2, और यहां पे क्या आएगा 1 plus 1 by 4। अब देखो 1 upon 1 आएगा और 1 upon minus 2 क्या होगा -1/2 इक्वल टू 1 plus 1/4। अब इसको आगे सोल्व करके मत देखो, यहीं से पता लग गया कि 1 तो इक्वल है, अब यहां पर तो हाफ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट, और यहां 1/4 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या आ गया फॉल्स स्टेटमेंट आया, और ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जीपी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन दो बचे, या तो एचपी या नन ऑफ दीज। अब इन्हें भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे कि हम एबीसी को एचपी में अज्यूम करके चल रहे हैं, तो एबीसी आर इन एचपी, एबीसी आर इन एचपी, तो ये मैंने बताया था कि एचपी के जो नंबर्स होते हैं वो आपको लर्न रखने हैं, और वो क्या रखोगे 2, 3, 6 आर इन एचपी। अगर यही 4 होते ए बी सी डी आर इन एचपी तो आप लिखते 3, 6, 8 और 24। देखिए उसके बाद 2, 3, 6 आर इन एचपी। अब देखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 6। अब देखो 1 upon 3 minus 2 plus 1 upon 6 minus 3। देखो जरा b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 6, और यहां पर 1/2 plus 1/6। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखो अब ध्यान से 1 upon 3 minus 2 क्या होगा 1 upon 1, ऐसे ही plus 1 upon minus 3, और उसके बाद 1 upon 2 plus 1 upon 6, और इसे आप सोल्व कर लो तो 1 minus 1/3 इक्वल टू, इसको सोल्व करो 1/2 plus 1/6। अब आप क्या कर लो एलसीएम ले लो, यहां 3 आया तो 3 minus 1 और यहां क्या है 6, तो 3 plus 1। अब देख लीजिए यहां आपको 2/3 मिला है, यहां पर 3 minus 1 क्या होगा 2/3, और यहां क्या मिला है 4 upon 6। अब इसको 2 2 4 2 3 6, तो आप क्या लिखोगे 2/3 equal to 2/3, और ये देखो आपका क्या आया है ट्रू, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व कर दिया है।